ठीक है जो सेकेंड टिश्यू होगा उस वो क्या होगा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू देन उसके बाद आएगा बोन एंड आफ्टर दैट क्या आएगा हमारा ब्लड आएगा ठीक है ब्लड भी क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है तो अगर बात करें हम लोग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे थ्री टाइप के टिश्यूज आएंगे दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू आएँगे जो सेकेंड आएगा वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आएगा एंड uh, जो थर्ड वन है वो क्या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है अगर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें इनमें लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये क्या होता है कॉलेजीनियस होता है इलास्टिक फाइबर इसमें प्रेजेंट होता है अगर बात करें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की तो ये क्या होता है फेब्रोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है एंड ये क्या करता है फैट को स्टोर करता है अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ बेसिकली कहाँ प्रजेंट होता है बिटवीन टिश्यूज़ के अराउंड प्रेजेंट होता है या फिर ऑर्गन्स के नियर अराउंड प्रेजेंट होता है या स्किन के बनीत में प्रेजेंट होता है ठीक है अगर बात करें टेंस कनेक्टिव टिश्यू की तो ये क्या है हमारा पैलस कॉलोजीनियस फाइबर है इसमें बेसिकली अगर रेगुलर की बात करें तो इसमें जो कॉलोजीनियस फाइबर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा पैलेल होगा और इ इरेगुलर टेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें बेसिकली जो हमारा कॉलेजीन फाइबर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा नॉन पैरेलल होगा अगर एग्जांपल की बात करें रेगुलर टेंस कनेक्टिव टिश्यू में तो इसमें हमारा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आ गए एंड एग्जांपल की बात करें इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तो इसमें हमारा स्किन आ गया स्किन वन ऑफ द इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है अब बात करते हैं हम लोग रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की तो इसमें बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है रेटिकुलर फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है लीवर के अराउंड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होता है अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के कनेक्टेड टिश्यू की दैट इज कार्टली कार्टिलेज तो बेसिकली ये भी तीन में डिवाइडेड है इसके सब पार्ट है फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज तो ये बेसिकली कॉलेज फाइबर्स इसमें बहुत ही फाइन तरीके से प्रेजेंट होता है ठीक है अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड पे प्रेजेंट होता है अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड कार्टिलेज की दैट इज़ इलास्टिक कार्टिलेज तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो इलास्टिक फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर के अराउंड प्रेजेंट होता है अब थर्ड कार्टिलेज की बात करें तो वो क्या है हमारा कार्टिलेज अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फिब्रोकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉलेजीनियस फाइबर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है बिटवीन वर्टिब्रे में प्रेजेंट होता है ठीक है अब हम लोग अपने थर्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं दैट इज बोन डिवाइडेड है कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, बो, बोन प्रेजेंट होता है अगर कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑस्टियोन्स होता है बेसिकली इसका लोकेशन कहाँ होता है स्केलेटन में प्रेजेंट होता है अगर स्पॉन्जी बोन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारा कौन सा आएगा ट्रेपिकूला या आर रे, रेड बोन मैरो बेसिकली ये क्या है हमारे स्पॉन्जी बोन है अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग बोन्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? अब बात करें ब्लड की तो ब्लड बेसिकली क्या है इसका स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्लस सेल्स को क्या बोलते हैं ब्लड बोलते हैं इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है हैंस हमने अभी तक क्या समझा है हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप समझे उनको क्लासिफाई किया है उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझे एंड देन उनके लोकेशन एंड लोकेशन क्या है लोकेशन के साथ साथ हम लोग उसके एग्जाम्पल को भी देखा है तो एन हमारा जो क्वेश्चन है उसका हमें आंसर मिल गया हमें क्या करना था हमें अपने कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई करना था एंड उसका एग्जाम्पल देना था थैंक यू क्लास एक्स ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चारो चार सौ पर